बाकी वाले लाइट ओपन नहीं हुआ है और जो भुगतान किया है उसमें से भी 20% पैसे रुके हुए हैं। 20% पैसे रुके हुए मेंटेनेंस के लिए टोटल का मतलब करोड़ों का मात्र 20% हमने रोका होगा, उसमें जांच क्यों नहीं बिठा रहे मैम? मतलब ये शीघ्र ही करवाए जांच जो है, जांच एमएनआईपी रिपोर्ट जो वर्क्स की है वो आ गई है, बाकी जो और जो काम हुआ है उसका पेमेंट अभी रुका हुआ है। ये एमएनआईपी की रिपोर्ट जो आई है इसका इसको आप भेज दीजिए, इसकी कॉपी कमेटी बनी है उसमें जेमिस नंबर क्यों नहीं रहेगा? मुद्दे जब हम उठा रहे हैं हमें भी पता चले ना कार्रवाई हो क्या रही है। आप सोचिए कि हर कमेटी में मेयर जो है मेयर अध्यक्षता करें, चेयरमैन अपनी कमेटी के चेयरमैन है, इनको पावर है, ये आप जांच को तलब कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, आपको पावर है। आपको संबंधित समितियों के संबंधित निर्णय लिया जाता है उसकी कोई सूचना भी चेयरमैनों को नहीं दी जाती है। आप मेंबर बनाने की बात है, आप ये बात करें कि रिपोर्ट की बात, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था इसके ऊपर रिपोर्ट देनी चाहिए और जो मेंबर लेने चाहिए थे इसमें चल गए। बच्चू जी आप मैं सबके पास अपनी समस्याएं सबको बोलने दो, कॉमन हो सकता है सबकी कॉमन हो लेकिन अपने अपने बार से संबंधित है ना, उनके बोलने के लिए सेलिब्रिटी चौधरी।
उसके बाद इतना बड़ा लिखने के बाद भी मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि हम उन पलों की व्यवस्था नहीं करवा पाए। बातें हम कितनी बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें ये डेवलपमेंट करवानी है, ये डेवलपमेंट करवानी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि रियलिटी में क्या है हमारे पास? रियलिटी में ये है, जब कोई अपने मरे को जलाने के लिए जाता है तब भी हमारे पास संसाधन नहीं है उसके, बच्चे को दफनाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, हम जगह नहीं मांग रहे, लेकिन जो चीजें अवेलेबल है उनको तो सही किया जाए। दीवारें टूटी पड़ी है, छतें छतों में से पानी निकल रहा है और कभी कभी पानी का टैंक खराब है, वहाँ पे पानी की समस्या आए थे, वहाँ पे वाटर वाटर कूलर को जो दान दाताओं ने लगाया है वो तक सही नहीं कर पाता हमारा लाइफ डिपार्टमेंट, मैं खुद जिम्मेवारी से कह रही थी। उसके बावजूद यह हालत हम अपने आप को कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ। उसके आगे की बात करें लाइटों की बात सबने चाहिए, मैं भी उसी भाषा में बोलूंगी कि आज मेरे वार्ड में मुझे 1500 लाइटें चाहिए, चाहे हम बिना भी कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दें उसके बाद भी हमारे पास लाइटें नहीं। लाइटों के नाम पे हमें आज तक 200 से 300 लाइटें मिली जो हमारे लिए परिपूर्ण नहीं। जब आपको ध्यान होगा तो हमने शुरू शुरू में हमने आपसे मांगा था कि जो हमारे अविकसित वार्ड है या विकासशील वार्ड है उनके लिए हमें अलग से JCB और ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाए ताकि हम उनकी शादी को सही कर सकें, थोड़ा सा उनको मैनेज कर सकें। शुरू शुरू में ये व्यवस्था की गई, उसके बाद ये व्यवस्था कहाँ हो रही है मैं समझ नहीं आया। हम कंटिन्यूस मांगते रहते हैं, एक बार तो हालात ये हुआ कि रात को 12 बजे मुझे DC को फोन करके सक्षम हो पाते, बारिश का पानी आता है, पानी बेसमेंट में भरता है, लोगों का जीना बिल्कुल हो रखा है, दो फट गहरे खड्डे हमारे वार्डों में पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ आप सोच नहीं सकते हो कि इसको हम जयपुर कैसे करें। हम राजधानी में बैठे हैं, हम कितना विकास कितनी 4.5 साल से सरकार का पालन हम कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं, यहाँ विकास हो गया, वहाँ विकास हो गया, विकास गाय की थी विकास की घोषणा की हमने, तो मिलकर अगर रिपोर्ट लिखाने से ज्यादा बेहतर होगा। ऊपर की बात करें तो वही सेम सिचुएशन है, सबकी ये सेम सिचुएशन है, ऊपर 3 कागजों में है जो बाकायदा रूप से आते हैं, फोटो आती है, लेकिन कचरा जिसका भी फोन आता है ऑन रिकॉर्ड में यही कहता है मैडम 8 दिन से कचरा नहीं उठा, गाड़ी नहीं, और कचरे वाले को आप कभी गाड़ी देख रहे हो वो एक कोने में खड़ा होगा और कचरा फेंकने का काम करता है। समय की पाबंदी से आप फिर आगे न बढ़ने हैं, आगे मुद्दे तो रखने में तो कभी बोलने का मौका मिलता है पिछले 2 साल से आपके आपके जान में होगा शक्ति सिंह जो हमारे 48 से पास उनकी पत्नी पार्षद है, पार्षद पत्नी है, एक टॉयलेट की हमने मांग की दोनों वार्डों के, क्योंकि हमारा जो मार्केट है कृष्णा वाला मार्केट जो है वो इस एरिया का सबसे बड़ा मार्केट है और निंदनीय विषय ये है उसमें एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं, जिसके लिए हम बजट मांग रहे हैं पिछले 2.5 साल से दोनों वार्ड वाले मिलकर, लेकिन अभी तक नगर निगम के पास इतना फंड नहीं है। अभी मुझे पता चला, मैं लेट पहुंची इसलिए माफी, मुझे पता चला कि आपने कहा कि आप फंड की कमी नहीं आगे देंगी, सहर्दता है आपकी कि अगर आप ऐसा करें तो मानिए हम तो 2.5 साल से भिड़क रहे हैं और हमें पूछने वाला कोई नहीं, तो हमें एक टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं हो रही है हमारे पास। सड़कों की तो मुंगी के नाम से करें, अगर आप सड़कों की बात करेंगे तो हमारे साथी अधिकारी उनको बड़ा बुरा लगेगा, ये जो 20 साल का बजट आया अभी किसी ने अभी अर्चना जी ने बोला 55 लाख का बजट आया, 55 लाख मेरे यहाँ तो मुझे 30 लाख का बजट अभी तक बताया गया है जिसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आज सुबह एक जगह पे JCB गई, वो भी केवल इसलिए मैडम हम इसे भेज रहे हैं आप बोलना मत, अब ये हालात है कि मैडम आप बोलना मत मीटिंग में, हम आपके लिए मैं बोलना क्यों नहीं बोले आप बताओ, बारिश आ गई है, ये बजट अब भी अगर हम अपने लोगों के लिए लगा सकेंगे तो कब लगाएंगे, आगे 3 महीने तो ऐसे काम बन गए, तो मैडम आप बोलना मत, इसलिए आज सुबह JCB गई है, आई कैन सेंड यू द पिक्चर। सिंस द सिचुएशन ये मेरा वार्ड है ना, अपने आप में बहुत पढ़े लिखे बहुत सक्षम है, लेकिन उसके बाद ये हालात अधिकारियों को फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं, किसी चीज का जवाब मांगो तो जवाब नहीं मिलता, लेटर लिखो तो लेटर का आज तक एक सिंगल जवाब नहीं मिला। लाइटों की व्यवस्था के लिए आप तीनों कमेटी भी मिलकर एक निर्णय लिया था आपने कि कुछ आप लाइटें अल्प विकसित वार्डों को अलग देंगे और विकसित वार्डों को अलग अलग आपने दिया, वो भी काफी तीनों जिम्मेवार साथी हम यहाँ पे हैं, मैं तो ये कह सकती हूँ हमें किसने कितना पूछा वो बता दें आप, हरीश जी आप बता रहे थे ना,
आपकी मेरी बात नहीं रही, मैं अधिकारियों की बात करी, अपनी बात हो गई। अधिकारी तो कहते हैं आप किसको बैठे हो, उसी बैठे विकास के लिए बजट कितना होना चाहिए? बजट जो उसकी घोषणा कर दो हम सहायता, लेकिन जो बजट हमें आपको उसका तात्पर्य ये है विनोद जी कि आप बजट इस बार क्योंकि अब आय के स्रोत रेवेन्यू सुधार के लिए कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा निगम में आए, उसके लिए आप सभी प्रयास करेंगे तो निगम में एक अच्छा भला रेवेन्यू आ जाएगा, है ना? जब वैसा होगा तभी वो विकास कार्यों के लिए लगेगा, इसलिए उसकी बात को आप अन्यथा नहीं ले। उसका मतलब ये था कि इस बार अच्छा बजट दिया जाएगा सबकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए। तकरीबन महीने का 5 करोड़ रुपए, उसका 30% हर महीने हमारे पास भी आना चाहिए, ये तय है एमओयू में। वो 30% हमें तो आज तक मिला ही नहीं, डेटा लिखने की बात भी नहीं मिला। वो रेवेन्यू का लॉस हम कहाँ पूरा करेंगे? आज तक अगर देखा जाए तो कम से कम 100 करोड़ के आसपास हमारा उसका रेवेन्यू का लॉस, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरी बात अगर हम करें तो जितनी ये कारें झूल रही है, अगर उन कारों को सही सलीके से पूछा जाए कि कौन सी कार किसकी है, मैं 3 बार नोटिस दे चुकी हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, लेकिन वो नोटिस कौन से कमरे में जाकर कौन से बारी में बंद हो गई किसको पता। अब अगर मेरे डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो हिंगोनिया गौशाला जिसमें आप गई थी, मैं पिछली बार किस मुद्दे को उठाया था कि आप गई थी, आपने उस खंभे को हाथ लगाया, वो खंभा गिर गया था, ये परेशानी आई। उस हिंगोनिया गौशाला पे 400 लाइटें नगर निगम ने लगाई, सोलर लाइटें, उसका पूरा भुगतान उसको दे दिया। उन लाइटों में 60 से 70 लाइटें पूरी तरह से बंद है। आपने पिछली बार भी उसके लिए MNIT जांच के निर्देश दिए पिछली बोर्ड बैठक में। अब वो निर्देश किन को दिए, क्यों दिए, ये सवाल कभी उठाई नहीं, ना कोई जांच हुई ना कोई जवाब आया उसका। वो कंपनी अपना पूरा भुगतान ले चुकी है, उसका कुछ पैसा बाकी है जो ये रोक के बैठे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि हमारा इतना पैसा। 60 से 70 लाइटें खराब है, आज भी खराब बंद है, खराब तो ज्यादा होगी बंद है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। EIPL की बात करें तो EIPL के भ्रष्टाचार की तो बात ही क्या करें। पिछली बार आपको मैंने कुछ तस्वीरें शेयर की थी आपके साथ, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा मैम, बेशर्मी के हाथ हमारे अधिकारियों के भी कम नहीं है और बेशर्मी हमारे संसाधन भी कम नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिशन है। आप देखते पहले कौन करता है, आपको ध्यान होगा जब पिछली बोर्ड बैठक हमारी हुई थी तब मैंने ये तस्वीर आपको दिखाई थी कि ये मेन वैशाली नगर में लगा हुआ प्रवीण जी के वार्ड में लगा हुआ एक खंभा है, जिसकी तस्वीर मैंने पिछली बोर्ड बैठक में मतलब 1 साल 2 महीने पहले दिखाई थी कि ये खंभा है जिस पे लाइट नहीं लगी हुई है, ये डेटा हो चुका है, बाहर से गल चुका है, इसको तुरंत बदला जाए। आपने कहा, आपने उसी तरह अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन पे तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन आप 1 साल 2 महीने के बाद भी ये खंभा आज की तस्वीर है, आज भी जिसकी तरह है ना, तो ये खंभा बेशर्म कम है जो गिरता है और ना है कई बेशर्म कम है जिसको गिरता है, बराबर बेशर्म है ना। देखते पहले कौन गिरता, ये आज की नया तो ये रिकॉर्ड है ना, इसको आप रिकॉर्ड से देख सकते हैं, ये जो चटाई है इस साल मैंने इस खंभे को हटाया भी नहीं। ये फोटो नंबर अब जो EIPL कंपनी हमसे करोड़ों का भुगतान लेती है, ये तस्वीर मैंने पिछली बोर्ड बैठक में भी दिखाई थी। सुप्रीम जी, जो आप हिंगोनिया गौशाला की MNIT से रिपोर्ट भी आ चुकी है, ये रिपोर्ट की कॉपी भी आपको भिजवा देते हैं, जांच हो चुकी है, और EIPL की आप बात कर रहे हैं उसमें भी कमेटी जो है उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर तो लगातार उसके प्रोग्राम जो है वो भी आपको भेज दी जाएगी। काफी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया कमेटी बने हुए एक्शन सर? और गौशाला की जो लाइटें हैं उसका भुगतान अभी तक भी नहीं किया गया है। हम कर चुके हैं 10% भुगतान बाकी है, अगेन यू MNIT का बजट है। आप माइक लेकर आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। 6 जून 23 को कमेटी गठित हुई है इसकी।
एक मीटिंग हो भी चुकी है, उसमें तकनीकी अधिकारियों की एक कमेटी से कुछ पॉइंट्स पे जवाब मांगे, उसके बाद उस पर निर्णय होगा आगे क्या करना। मैम क्या मैं जान सकती हूँ कमेटी में नंबर कौन कौन है? कमिश्नर साहब, डायरेक्टर लो, एफए चीफ साहब और एक्शन लाइन। चेयरमैन को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने इस तरह की आप चेयरमैन को भी एक पत्र भेजिए। जो माननीय जांच कर रहे हैं उनको मैं बताऊंगी, बीएस आपको नहीं दिखाई, आपको कहीं नहीं उस समय। ये किसके बारे में? ये हमारे जयपुर की खूबसूरत तस्वीर है जिसमें पिछली बार भी मेरी दादा लाइट को रस्सी से बांधा गया है, घर भी वही है, लाइट भी वही है, खंबा भी वही है और मैं भी वही, वही रस्सी भी वही, रस्सी भी ना तो रस्सी टूटी ना। किसके बारे में ये? ये गजेंद्री चौराहा के बोर्ड। अब बताइए जी, आपके वार्ड में अगर ऐसी सिचुएशन हो, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फोटो खींची थी हम बात कर सके, वो सारे पॉइंट्स ही गायब कर दिए। अब हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो एक सही जांच नहीं करके देंगे? मैं ऊपर ही आ जाऊँ, रिकॉर्ड कर लूँ, मैं जिंदगी में सही जांच करूँ। जांच की बात करें ना तो सिचुएशन ये है कि तत्कालीन एक्सीडेंट में इस कंपनी के खिलाफ 3 पन्नों का लेटर लिखा था जो मैंने उस समय भी पेश किया था यहाँ पे। उसने कहा था कि ये कंपनी फर्जी है, ये गलत काम कर रही है, जिसके बिहार में मैंने पॉइंट सुनाई है। उसका नतीजा ये हुआ कि उस एक्सीडेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया निगम से। आज अगर तत्कालिक आप बात करें, आप जांच करवाएं इस बात को, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ ये बात। आज जो तत्कालिक AN है, JN है, वो इस कंपनी के खिलाफ नोटिसों पे लिख चुके हैं। मैं आप आज नोटिस खुलवा के देखें, कौन सी जांच की बात कर रहे हैं ये लोग और कौन सी जांच सही करके। मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिंदगी में कोई जांच सही नहीं करके दे सके, क्योंकि इनका काम, मैं दे रही हूँ आपको बिल, हर महीने 9 करोड़ ये अभी ले रहे हैं पास, 1 महीने 9 करोड़ का बिल, 1 महीने 4 करोड़ का बिल और 1 महीने 6 करोड़ का बिल, ये अधिकारियों ने सही करके कि नहीं? कौन से अधिकारी पर हुई? हमने दिल्ली को, जब मैं बात भी नहीं बोलूंगी, हमने दिल्ली को दूसरी रखवाली दे दी। कौन सी जांच करेंगे बताएं आप? 6 तारीख को इन्होंने कमेटी गठित की, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं होती हमें बताना? जब मैं आए थे इनको कमेटी गठित करो, मैंने उसी मेरा जब मीटिंग हुई हमारी, उसी मैंने बड़े साफ शब्दों में इनको कहा था कि इस कंपनी के सारे भुगतान रोके थे और नहीं यहाँ तक आ जाए, नहीं रोकोगे तो मैं ACB में जाऊँगा, मैं खुद कंप्लेन करूंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की परिणति है। ये मेरी पार्टी ने मुझे नहीं सिखाई, मैं आप ने नहीं सिखाई। आप जाइए, मतलब आप स्वतंत्र हैं, अगर आप अलग से कोई भी अगर आप ऐसा लेना चाहते हैं इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है, आपको लगता है कहीं भी हुआ है भ्रष्टाचार, तो आप बिल्कुल, आप एग्रीकल्चर ब्यूरो को बिल्कुल शिकायत करते हैं। दूसरी तस्वीर मैंने पिछली बार दिखाई थी कि नगर निगम की गाड़ियां, नगर निगम के बोर्ड लगे हुए गाड़ियां लाइटें चोरी कर रही है। ये नगर निगम जयपुर लिखा हुआ है, क्रेटर लिखा हुआ है, ये गाड़ियां लाइटें चोरी कर रही है और 1700-1800 रुपए में लाइटें बेच रही है। जांच पे क्या हुआ? वो FIR में दर्ज नहीं करवा सके। हमारा जो एक्सीडेंट है दिवेश शर्मा, उसने जाके दर्ज करवाई, उसने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं जवाब है। केवल चोरी की बात करी, हमारा अधिकारी, हमारा नेता लिख के दे रहा था, सरकारी बंदा लिख के दे रहा है कि EIPL कंपनी ने केवल के ड्रम चोरी किए हैं, लाखों के ड्रम थे, लाखों के ब्रैकेट थे जो नगर निगम के स्टोर में होने चाहिए, वो उसके पर्सनल ऑफिस में, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, पूरी नोटशीट थी, लिखे थे, हमारे पास नोटशीट नहीं है। मैं नोटशीट लिख चुकी हूँ, नोटशीट कहाँ गायब होती है किसी को पता ही नहीं,
इस इन हालात में जो लाइटें मिल चुकी हैं उनका कौन कौन जिम्मेवारी लेगा? अपन राजस्व की बात करते हैं मैम, थोड़ा सा सुप्रीम जी थोड़ा संक्षेप में जाऊंगी क्योंकि मैं सभी को बोलना है, सभी को बोलना है। फिर वही होगा विकास कार्य फिर अधूरे रहेंगे। अब साधारण सभा 2 महीने 3 महीने बाद में जब होगी जांच करो। देखो एमएनए की जांच की घोषणा करेगा ना,
अगर उसमें भी आपको आवश्यकता लगेगी एक बार आप देख लीजिए पहले। अमन ये जो आपने जियो टैगिंग था, जियो टैगिंग का क्या प्रोसीजर चल रहा है? एक बार आप बस बोल दीजिए वो नोट करके और सबसे लास्ट में हम कर लेंगे कंक्लूड इसको, थोड़ा सा आप जल्दी करिए। आप जियो टैगिंग का सिस्टम पूछे, 2016 से ये सिस्टम चल रहा है लेकिन हमारे यहाँ पे किसी भी पोल पे अभी जियो टैगिंग नहीं है। कागजों में उन्होंने 80% पोलों पे कर दी है लेकिन अगर घर तक भी देखा जाए तो कुछ नहीं। और MNLD की जो जांच है जिसके लिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ उसके ऊपर प्लीज आप थोड़ा सा शीघ्रता से आप चेक करें कि ये चीज सही नहीं चल रही है। और इस तरह से अगर हम करोड़ों का भुगतान अगर हर बार होता क्या है, जब जब ही जवाब मांगा जाता है तो आप सब लोगों का ये कहना है कि पैसा DLP दे, तो मैम DLP घर से पैसा नहीं देगा। अगर DLP घर से दे सरकार करती है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, अपनी जिम्मेवारी से करें। लेकिन DLP को पैसा जयपुर की जनता का पैसा देता है, जो सेल्स का पैसा बिजली होगी। देखिए सुप्रीम जी जो अभी जाँच होगी वो जाँच रिपोर्ट आपको भेजेंगे। इसके अलावा आप जो है एंटीक्रप्शन ब्यूरो में अगर आप शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे में सबको जागरूक होना भी आवश्यक है। अगर आपको कहीं भी लगता है किसी भी शाखा में भ्रष्टाचार हो रहा है आप शिकायत करेंगे। आप बाकी आप इसको कंक्लूड करिए। कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, और ये अभी जो आई है निमोनिया घोषणा की, ये रिपोर्ट भी आपको मिलनी चाहिए, अभी मेरे पास में आई आपको मिलेगी। इसका भुगतान रोका अभी बताया है आपको, बताया कि रोका जा रहा है भुगतान कई अभी भी जो भुगतान किया गया है उसमें से उनके 10% पैसे पन्ने विदेश किए हैं, जो 1.5 करोड़ रुपया अभी भी उसके ऊपर खत्म हो गया है। तो जून तक का जो पेमेंट और अप्रैल तक का जो पेमेंट किया है उसमें से भी उसके 10% पैसे पन्ने विदेश करके पेमेंट किया है। आप जब तक ये जांच चल रही हो तब तक कुछ अमाउंट उनका रोक कर रखिए ताकि ऐसा दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कोई उनका काम भी खराब नहीं बात हो रही हो। आप थोड़ा सा आपका कह दिया ना कि आप वहाँ भी शिकायत करिए, आप एंटीक्रप्शन ब्यूरो में शिकायत करिए, आप वहाँ आप करिए आप शिकायत। समय का अभाव है, आप बोर्ड मीटिंग को आगे बैठने दे, नहीं तो हमारा पूरा का नंबर ही नहीं आएगा फिर, या तो 12 बजे तो थोड़ी बैठेगा। आपके भी 3 घंटे से ज्यादा डॉक्टर की ओपिनियन है आपको भी सिटिंग करने के लिए। सुप्रीम जी आप बैठिए।
हो रहा है तो फिर आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? शुक्र जी,
जवाब देने का आपको समय पूरा 5 साल मिलेगा, अभी 3 साल 2 साल बाकी है। बैठ जाइए सुप्रीत जी। सुप्रीत जी अरे क्या बोला बना, यही सबको अधिकारियों का ये देखे ना, और इसी बारे में उनकी नौकरी कम हुई जो ये चोरियों में लगा नालों का ठेका देते हैं, वो जब बरसात आने को होती है, जब तपन